ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? ए! देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, गाड़ी के बाहर तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ। इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था। वो जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। बातें कर रहा था। हाँ, और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों, यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। देखिए, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर। यादव, तलाशी लो इसकी। कुछ नहीं सर। उसकी भी आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव, गाड़ी में डाल इसे। कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चार्ज नंबर एक, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर दो, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर तीन, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। चार, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठ है ये सारा। एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। ऊंची आवाज में बात करेगा? देरी। आप कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना उसे मार देंगे। फिर से चिपकने का इरादा है क्या? चल इधर। गाड़ी में दवा रखी है, he's asthmatic, अनुज को दमे की बीमारी है। ये पुलिस स्टेशन है मैडम, यहाँ तक लोगों को दमा डायरिया सब शुरू हो जाता है। he's having an attack officer, मर जाएगा वो। अरे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अनुज जाने दीजिए साहब, अच्छा है। चल। प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए। अनुज, ये तुम मर गए सर।
क्या बकवास कर रहा है? मेरे अनुज को मार दिया तुम लोगों ने, ये अकेले। सोचने तो मुझे चल डाले से मरी हुई है, इसको क्या मारना? हेलो, तेरी बेटी का यार अनुज श्रीवास्तव कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, ड्रग रनर था वो। तेरी बेटी भी उसके साथ थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तेरी बेटी को, बस थोड़ा सा सदमा पहुंचा। मेरा नाम है एसीपी यशवंत ठाकुर। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुन। मिल गई ना तेरी बेटी? जी। चुपचाप उसको लेके यहाँ से निकल जा, समझना कि तुम दोनों का मुंबई से तड़ी पार हो गया। और किसी से कहना मत, वरना ठोक दूंगा तेरी बेटी को भी, समझा? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Thank you. ये शहर अगर रात को चैन की नींद सोता है तो एसीपी ठाकुर जैसे ऑफिसर्स की वजह से। He is the man who stands guard, puts his life on line, so that we don't lose any sleep. Officer, question for you. Yeah. आपको कभी डर नहीं लगता है? Don't you ever get scared for yourself? डर तो लगता है लेकिन अपनी जान के लिए नहीं। डर लगता है कि कहीं कोई क्रिमिनल मेरे हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू एवरीवन। चीयर्स, दैट्स द स्पिरिट, वे टू गो ऑफिसर। थैंक्स। दाद देनी पड़ेगी ऑफिसर, बड़ी बहादुरी का काम करते हो। अकेले लड़के का फर्जी केस बनाकर अच्छे तरीके से उसका फॉल्स एनकाउंटर करते हो। अपनी बहादुरी के कारनामे सुनकर, लोगों से तारीफें सुनकर छाती चार इंच चौड़ी तो हो गई होगी। वैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मेडल के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड किया या नहीं? ए, क्या बकवास कर रहे तुम? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी ले जाओ इसको। यशवंत ठाकुर, अनुज जैसे बहुत से लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया होगा तूने, पर आज तक तू इसलिए बचा रहा क्योंकि उनमें से किसी का बड़ा भाई आदित्य श्रीवास्तव नहीं था। ये शहर भले चैन की नींद सोए, पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। वादा है मेरा तुझसे, एक बड़े भाई का वादा। तेरी वर्दी और उस वर्दी की कर्मी दोनों नहीं उतरवाए ना तो मेरा नाम भी आदित्य श्रीवास्तव नहीं। आप
आपने तो कमाल कर दिया, उस एसीपी के तो पसीने छूट गए सर। आपको क्या लगता है सर, उन वर्दी वाले गुंडों को सजा मिलेगी? कोशिश तो मेरी यही है सर। डू यू वांट टू चेंज द सिस्टम? मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, सिर्फ उन तीन ऑफिसर से है। आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ मांगूंगा। मिलेगा? लेट्स सी। एक रिपोर्ट लिखानी है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? पेन? इसकी रिपोर्ट लिखवानी है अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? ए, क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहां से दफा हो जा, वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इन सबके सामने कहिए, इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहां एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूं। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव, रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेन किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत, इन तीनों ने मिलकर मारा मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर, आप कुछ तो बताइए। सर, मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए। नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहां विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृहमंत्री साहब को? 30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनेगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने। और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे ये दाग लग रहा है। ये सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वैसा हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। 1 मिनट ठाकुर। यादव, तुम बताओ, बताओ ये सच है या झूठ? देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठे सर, एकदम झूठे। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर, एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठे सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया। जी तो कर रहा कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दो। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर।
वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारी टोपी और वर्दी उतारकर हमें घर भेज देगा। सावन ठीक बोल रहे हैं सर, एक्सीडेंट करा देते हैं साले का, आग लगा देते हैं साले के घर में। सर मैं तो कहता हूं साले कुछ को... नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है, अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उसे अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए? वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का, वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ? मारा गया कुत्ते की तरह? अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तेरी तो लाश को लियो। मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना यहाँ। एक मिनट में आपसे बाद में बात करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव आइए। आदित्य श्रीवास्तव प्लीज बैठिए। वेल डन मिस्टर श्रीवास्तव, कीप इट अप। भाई जिस तरह आपने पुलिस डे पर एसीपी ठाकुर की भाई मैं तो आपका फैन हो गया, मजा आ गया। बताइए क्या लेंगे आप? आपकी मदद। आप इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं, अगर आप मेरे भाई का केस ले लें तो मैं अनुज के कातलों को सजा जरूर दिलवा पाऊंगा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जैसे नौजवानों की हमारे देश को सख्त जरूरत है। कहां है वो जोश, वो जज्बा, वो जिद, वो हिम्मत उन नौजवानों में जो आपने दिखाई है? अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं खुद आपके पास चलकर आता और कहता कि ये केस मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू सर। सर आपकी फीस मैं क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे फीस लूंगा?
पहली बार किसी ने सिस्टम और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है। विल यू प्लीज कम इनसाइड? या मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं। यस, आओ। पहला आप हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। और ये है पायल, मेरी जूनियर है। आप अपने केस की सारी डिटेल्स इनको बता दीजिए। पायल जी, अनुज नाम था उसका। उनतीस दिसंबर की दोपहर को वो मुझसे झगड़ा करके घर से चला गया। मैं जानता था ये साला यहां जरूर आएगा। इस शहर में एक ही वकील है जो इस मरे हुए केस में जान डाल सकता है। तुमसे मिलना जरूरी था, इसीलिए चली आए। वॉचमैन ने बाहर वेट करते हुए देख लिया तो चाबी दे दी। बैठो। अनुज के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया पायल, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसीलिए तो मलकानी साहब के पास गया था। अच्छा उन्होंने मेरा केस ले लिया। नहीं आदित्य, उन्होंने अनुज का केस लेकर अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? तुम्हारे जाने के बाद एसीपी यशवंत अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ वहां आया था। ठाकुर साहब, गर्दन का नाप देने आओ मलकानी साहब। भाई सुना है आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। पायल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी। कैसी बात कर रहे हैं एसीबी साहब? आप आपको फांसी पर चढ़ाएंगे तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मतलब आप उस लड़के का केस नहीं ले रहे? क्यों नहीं लेंगे है? भाई जरूर लेंगे, हम तो केस जरूर लेंगे। मतलब ये एसीबी साहब कि अगर हमने उसका केस नहीं लिया तो कोई और वकील ले लेगा, और वो कोई और वकील हमारी तरह आपका दोस्त नहीं होगा। वो अदालत में गवाह पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, केस की तह तक जाएगा। और जहां तक इस केस के बारे में मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर वो वकील जरा सा होशियार हुआ तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। नहीं नहीं, नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हम है ना, हम ये केस दोनों ही तरफ से लड़ेंगे। यूं समझिए कि मेरे करियर में पहली बार मैंने कोई केस हारने के लिए लिया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा वो तुम आ गई, वरना मुझे असलियत का पता ही नहीं चलता। थैंक्स। पर अगर मलकानी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम क्या सोचते हो, जो आदमी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है मैं उसकी नौकरी करूंगी? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। टैक्सी। क्या दो कदम साथ नहीं चल सकते हम?
सॉरी दोस्त, तुम जाओ। कोई बात नहीं साहब। तुम रहती कहाँ हो? अभी भी बहुत दूर नहीं हूं तुमसे। अभी अपने दिल की बात कहनी नहीं आई तुम्हें आदित्य? अगर तुम चाहते हो कि मैं अनुज का केस लड़ूं तो बोल क्यों नहीं देते? डरता हूं। आज भी तुमने ना कह दी तो। अनुज सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था आदित्य, वो मेरा भी कुछ लगता था। उसकी मौत का दर्द तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। मैं भी उसके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूं। मैं ये केस लड़ना चाहती हूं आदित्य, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा।